नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. इट इज़ अ मेटलर्जी. अब हम बात करते हैं मेटलर्जी की. फर्स्ट वी हैव द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, अब क्योंकि मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है अगर हमें, तो हमें एक ओर में से, ओर क्या होता है, फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल ईजिली एंड प्रॉफिटेबली. नाउ एज वी नो कि और में हमारे पास कुछ गैंग पार्टिकल होंगे और कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं. सो उस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके हमें मेटल्स को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो इट मीन्स उसमें कुछ स्टेप इन्वॉल्व होंगे. सो ऑल दो स्टेप्स इन्वॉल्व इन द केस ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इज नोन एज मेटलर्जी. अब हम इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्टली वी हैव एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज अ प्रोसेस इन विच अ प्योर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर. अगर एक प्योर मेटल को उसके ओर में से एक्सट्रैक्ट किया जाए, सो इट इज नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. द नेक्स्ट वी हैव all those various processes involved in the extraction of metals. इस metals को extract करने में जितने भी processes involve हुए from their ores. अगर हमने, क्योंकि हम तो जानते हैं कि हमें metal को extract करना है from their ores, सो उसमें जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे एंड इन द रिफाइनिंग और उसके रिफाइनिंग करने में फॉर यूज आर नोन एज मेटलर्जी. सो उन्हीं सभी स्टेप्स को और सभी प्रोसेसेस को हम स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो वो आते हैं एक अंडर मेटलर्जी. हियर अगर हम उन्हीं वेरियस स्टेप्स की बात करें, वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और द मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, तो हेयर वी हैव अ फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज क्रशिंग एंड द ग्राइंडिंग ऑफ द ओर्स. कि हमको देखो, जितने भी ओर्स हैं हमारे पास, जो ओर्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, दीज आर फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट. हमें अर्थ क्रस्ट से ओर्स मिलते हैं. अब वो जो ओर्स होते हैं, सो उनकी जो फॉर्म है वो बड़े बड़े हो सकते हैं, रॉक्स की फॉर्म में हो सकते हैं, और उसमें बहुत तरह की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है. तो फर्स्टली जो हमारा प्रोसेस रहेगा, सो इट इज़ द क्रशिंग एंड द ग्राइंडिंग ऑफ द ओर्स. और ये जो प्रोसेस है ये बहुत यूज़फुल है टू कन्वर्ट द बिगर ओर्स इनटू द स्मॉलर वन. क्योंकि जो हमको मेटल को प्योरीफाई करना है, सो ये तो नेसेसरी स्टेप है कि हमको बड़े बड़े रॉक्स टाइप के ओर्स को छोटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो हियर फर्स्ट स्टेप इज अ क्रशिंग एंड द ग्राइंडिंग ऑफ द ओर. सेकंड इज अ कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, और इसको हम कह सकते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर. कंसंट्रेशन ऑफ ओर और एनरिचमेंट ऑफ ओर में हमारे पास कुछ डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसकी हेल्प से हम कुछ स्पेशल टाइप्स की जो इम्प्योरिटीज पार्टिकल हैं उनको रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द ओर्स. थर्डली वी हैव एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर. अब जो हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर आया, उसमें से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, सो उस प्रोसेस को हम इन द स्टेप नंबर 3 करेंगे. एंड द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप इज रिफाइनिंग ऑफ रिफाइनिंग एंड द प्यूरिफिकेशन. अब हमारे पास जो कंसंट्रेटेड ओर आ चुका है, तो हमको उसमें से रिफाइनिंग करनी है और प्योरिफिकेशन करनी है किसकी, इम्प्योर मेटल की, टू गेट अ प्योर मेटल. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस और द